Hello everyone. Today in this video, I will be discussing 14 landmark recent judgments from Supreme Court from the month January 2022. Now, this video is going to be helpful for every aspirant who is preparing for any kind of LLM entrance examination, judiciary examination, APO examination, AIB examination, or for that matter, UGC NET examination. Now, before starting the video, let's see the questions. कैसे क्वेश्चंस क्लैट पीजी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। I have taken three questions from क्लैट पीजी 2020 paper which are judgment based, so that आपको ये पता चले कि judgments कितने important होते हैं किसी भी entrance examination के लिए। Second, we are going to discuss 14 landmark recent judgments from January 2022. So let's start and see what our first question says. So पहला question जो आपको screen पे दिख रहा है, यहाँ पे चार केस लॉज प्रोवाइडेड है और ये पूछा जा रहा है कि इन चारों केस लॉज में से कौन सा ऐसा केस लॉ है जिसपे जो एक्सर्प्ट दिया गया था वो बेस्ड था। सो एज यू ऑल नो इन क्लैट पीजी एग्जामिनेशन दे गिव यू अ पैराग्राफ विच इज जनरली बेस्ड ऑन एनी जजमेंट, राइट। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो पैराग्राफ है, राइट, ये कौन से जजमेंट पे बेस्ड है जिस जजमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन सीकिंग परमानेंट कमीशन की बात की गई है। सो ये द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 439 की बात की गई है ऑफ सीआरपीसी जो रिलेट करता है ग्रांटिंग और डिनायल ऑफ बेल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल। ओके, सो हियर द आंसर इज स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वर्सेस एम मुरुगेसन 2020। नाउ थर्ड जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो कहता है कि इन चारों जजमेंट में से कौन सा ऐसा जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्हाइल नोटिंग दैट द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कोर्ट केसेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ओपन कोर्ट ये रिमार्क किया था कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। कौन सा ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सनलाइट जो है वो एक्ट करता है एज अ बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो यहां पे आंसर है स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018। नाउ इन तीन क्वेश्चंस को देख के आपको ये समझ आया कि क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो 2020 पेपर के हैं एंड उसके जो आंसर्स हैं वो 2020 ईयर के जजमेंट ही हैं, तो इससे फर्स्ट चीज जो आपको क्लियर होती है कि जिस ईयर में एग्जाम होता है उस ईयर के जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ये थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो जिसमें जो केस लॉ पूछा गया वो 2 साल पीछे का था, 2018 का था, तो इससे एक बात और क्लियर होती है कि पिछले 2 साल के जो केसेस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपको ये दो चीजें क्लियर होती हैं। आई एम भूमिका इंदौरी एंड आई वेलकम यू ऑन आर यूट्यूब चैनल वेयर यू आर गोइंग टू गेट ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लॉ। नाउ लेट्स सी व्हाट आर फर्स्ट जजमेंट ऑफ द डे सेज। इट सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस आर डी शर्मा। This case has been decided by division bench and this case is very, very important as it is related with fundamental rights, Constitution of India. And as you all know, ki Constitution of India ek favorite subject hota hai when it comes to any kind of law entrance examination. So here, this case has been decided by Justice D.Y. Chandrachud and Justice Trivedi and they held that equal pay for equal work is not a fundamental right. Okay, isme ye held hua ki equal pay for equal work koi fundamental right nahi hai, though it is a constitutional goal to be achieved. Now, this particular case relates with article number 14, 15, 16 at the same time as it is dealing with constitutional goals as well. So it relates with DPSP. So ye case law bahut hi important hai. Now, next case is Joseph Stephens and others versus Santhana Swami and others. This is again 2022 judgment decided by division bench. In this particular case, it was held that victim can file appeal in high court against the acquittal without seeking leave to appeal. अब इस जजमेंट को जानने के लिए आपको कुछ सेक्शन सीआरपीसी के जानना जरूरी है, जैसे कि सेक्शन नंबर 372 एंड सेक्शन नंबर
378 जो कि अपील से डील करते हैं. नाउ सेक्शन नंबर 372 में बाय द वर्च्यू ऑफ 2009 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक अमेंडमेंट करके प्रोविजो को भी जोड़ा गया. तो आई रिक्वेस्ट यू कि अपने बैरिक को खोलिए और इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़िए. हाउएवर इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि जब विक्टिम को अक्यूज के एक्विटल के अगेंस्ट अपील में जाना होगा, अपील करनी होगी, तो उसको सीकिंग राइट टू अपील लेने की जरूरत नहीं है. ये विक्टिम का स्टैचुरी राइट है कि वो अक्यूज के एक्विटल के अगेंस्ट हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकता है. नाउ नेक्स्ट केस इज रिहाना बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ असम and another 2020 again division bench judgment it is. In this particular case Supreme Court has quashed the complaint filed by the husband on the ground that the family court has decided the issue in wife favor, that she was not married prior to the marriage and husband has failed to prove the marriage. Now इस केस को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे तीन कोर्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं. पहला जो कोर्ट है वो है फैमिली कोर्ट, दूसरा जो कोर्ट है वो है हाई कोर्ट और तीसरा जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट. अब होता ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है और जो हस्बैंड है वो फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का मैटर फाइल करते वक्त ये कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ मैरिज मेरी वाइफ ऑलरेडी मैरिड थी, बट वो इस चीज को प्रूव नहीं कर पाते हैं एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस फैमिली कोर्ट ये हेल्ड करता है कि देखिए आपकी वाइफ ऑलरेडी मैरिड नहीं थी एट द टाइम ऑफ मैरिज. ओके, नाउ जब ये किसी और चीज के वजह से कुछ और केस फाइल करते हैं वाइफ के अगेंस्ट तो मैटर जाता है हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट में फिर से ये इश्यू उठता है और जो हाई कोर्ट में जो वाइफ है वो कहती है कि कंप्लेंट को क्वाश किया जाए. अब कंप्लेंट या एफआईआर को क्वाश करने के लिए आपको देखना होता है सेक्शन नंबर 482 जो डील करता है सीआरपीसी का इनहेरेंट पावर्स से, राइट. तो हाई कोर्ट क्वैश नहीं करता है कंप्लेंट को और इसके अगेंस्ट जब वाइफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट कंप्लेंट को क्वैश कर देता है और हाई कोर्ट के ऑर्डर को ओवररूल करता है और कहता है कि ये जो कंटेंशन है ये फैमिली कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है और कह चुकी है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज वाइफ जो है वो ऑलरेडी मैरिड नहीं थी. आई होप आपको ये पर्टिकुलर केस समझ आया होगा. नेक्स्ट आशीष सेलर वर्सेस महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली 2022. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड बाय 3-judge बेंच. हियर डेंजर टू डेमोक्रेसी सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन रैशनैलिटी ऑफ महाराष्ट्र असेंबली सस्पेंडिंग 12 MLAs बियॉन्ड अ सेशन. तो यहाँ पे क्या हुआ था कि महाराष्ट्र असेंबली ने अपने 12 MLAs को बियॉन्ड असेंबली सेशन के लिए मतलब एक साल के लिए अप्रोक्स सस्पेंड कर दिया था. तो इस केस को डिसाइड करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सस्पेंशन है उससे अच्छा एक्सपल्शन होता है, क्योंकि अगर आप एक्सपेल कर देते हो तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और उस वक्त पे नए एमएलए को लाया जा सकता है. हाउएवर क्योंकि आपने सिर्फ सस्पेंड रखा तो प्रोसीडिंग्स को काफी नुकसान हुआ और ऐसे ऑर्डर रैशनल नहीं है एंड दे आर डेंजर टू डेमोक्रेसी. नाउ व्हेन यू आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर केस यू हैव टू स्टडी आर्टिकल 190 क्लॉज 4. व्हेन यू विल स्टडी दिस आर्टिकल स्पेशली द क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 190 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यू विल अंडरस्टैंड कि मैं आपको इसे क्यों पढ़ने को कह रही हूं. नेक्स्ट केस इज जीडी ग्रीश वर्सेस वाई सुब्बराजू डिसीज्ड. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड हियर इट इज डिसाइडेड बाय डिवीजन बेंच एंड इट डील्स विद सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन इन फॉर्म ऑफ स्टैचुरी रूल्स इन अ लॉ अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट states that the consideration or object of an agreement is lawful unless it is forbidden by law. Now in this particular case, तीन लॉस को डील किया गया. पहला तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, मैं आगे भी समझाऊंगी. सेकेंड इज सेक्शन आई एम राइटिंग इट हियर 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट विच डील्स विथ लिस्ट पेंडेंस. थर्ड इज सेक्शन 19 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. ओके, एसआरए के सेक्शन 19 को भी डील किया गया और इसमें यह कहा गया कि सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें जो वर्ड लॉ इंक्लूडेड है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरबिडन बाय लॉ, ये लॉ जो है इसमें स्टैट्यूटरी रूल्स इंक्लूड होंगे. ओके, एंड सेकंड ये कहा गया
लीव पेंडेंस के टाइम पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस को कंसिडर नहीं किया जाएगा, और थर्ड इसमें सेक्शन 19 ऑफ एसआरए को डील किया गया। एज दिस पर्टिकुलर केस लॉ इज रिलेटेड विद थ्री मेजर एक्ट, दैट्स अ रीजन इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट केस इज State of Punjab versus Anshika Goyal. This is again a division bench judgment. Here it was held that the writ of mandamus cannot be issued to state government to provide reservation for a particular community. There is no fundamental right which inherit in an individual claim reservation and promotion. Now, पहली बात, ये इम्पोर्टेंट केस लॉ इसलिए बहुत रेलिवेंट है और इसको मैंने इसलिए इनकॉर्पोरेट किया है कि ये रिजर्वेशन से डील करता है। एंड एज अगर आपने पुराने पेपर्स देखे होंगे तो किसी भी पेपर में रिजर्वेशन से रिलेटेड केस लॉज हमेशा पूछे जाते हैं, राइट? अब इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि जो ये रिट ऑफ मैंडमस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसलिए इश्यू नहीं किया जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को रिट ऑफ मैंडमस इशू करके रिजर्वेशन देने के लिए नहीं कहा जाएगा। और एक और बात कही गई कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का वेस्टेड फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, मैंडमस क्या होता है? मैंडमस एक रिट होता है जिससे एक कोर्ट या तो पब्लिक को या किसी अथॉरिटी को या दूसरे कोर्ट को कुछ काम करने के लिए मैंडेट करती है। सो दिस केस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट केस इज Devas Multimedia Private Limited versus Entrix Corporation Limited and another. Now, why this case is so important? So this case was in limelight. इस केस को काफी मीडिया कवरेज मिली थी। पहले मैं आपको पार्टी समझा देती हूँ। यहाँ पे जो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन है ये इसरो की एक कमर्शियल ब्रांच है। यू ऑल नो इसरो जो हमारी सैटेलाइट्स को डील करता है, बनाता है, उसको बेचने और खरीदने के लिए एक कमर्शियल ब्रांच को बनाया गया जिसका नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। अब इस एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ने देवस मल्टीमीडिया के साथ कोई टेंडर साइन किए और इस पे कोई डिस्प्यूट हुआ और डिस्प्यूट गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। जब ये केस लॉ वहां गया तो वहां पे जो देवस मल्टीमीडिया है उसको लायबल बताया गया, और इसने जो डेविस मल्टीमीडिया दे अप्रोच अंडर एडीआर टू डिफरेंट फॉरेन कोर्ट्स। और ये जब मैटर वापस इंडिया में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस किया, अपील को, डेविस मल्टीमीडिया की अपील को डिसमिस किया और ये कहा कि अलाउ किया वाइंडिंग अप ऑन अ पिटीशन फाइल बाय इसरो कमर्शियल ब्रांच एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर केस की वो ये है कि इस केस को डील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही कि जो ये देवस मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसकी फाउंडेशन ही गलत थी, इसको एक गलत पर्पज के लिए बनाया गया था, और अगर किसी चीज को गलत पर्पज के लिए ही बनाया जाता है तो इससे उससे कुछ फ्रूटफुल होने का सवाल ही नहीं उठता। नाउ नेक्स्ट केस इज Neil Aurelio News and Others versus Union of India. This case is again decided by division bench. Here in this case, it was held that OBC quota in post-graduation not prohibited. Can't say that backwardness will disappear with graduation. So इस केस को NEET AIQ केस के नाम से भी जाना जाता है, और इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपको एक बार रिजर्वेशन मिल गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आपकी बैकवर्डनेस खत्म हो गई और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अब रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड किया और ये कहा कि नीट पीजी में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज अनुराचला डाउडर वर्सेस पुन्नोस्वामी। दिस इज अगेन अ डिवीजन बेंच जजमेंट। इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ अ फीमेल हिंदू डाइज इंटरस्टेट विदाउट लीविंग एनी इशू देन द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हर फ्रॉम हर फादर और मदर वुड गो टू द हेयर ऑफ हर फादर वेयर एज द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम हर हस्बैंड और फादर इन लॉ वुड गो टू द हेयर ऑफ द हस्बैंड। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट क्योंकि यहाँ पे फीमेल के को पार्शनरी राइट को लाइक के बारे में बात की जा रही है, फीमेल की प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात की जा रही है। एंड ये इशू काफी टाइम से, इनफैक्ट 2005 में जब अमेंडमेंट हुई थी जिसे फीमेल को पार्शनरी राइट दिया गया था तब से ही इशू में है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस इसको मैं आपको समझाती हूँ क्या कहा गया कि अगर कोई लेडी, ठीक है, जिसके कोई बच्चे नहीं है,
जिसके कोई इश्यू नहीं है वो इंटरस्टेट उसकी डेथ हो जाती है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है विदाउट मेकिंग विल, कोई विल नहीं बनाती है वो और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो किस में डिवॉल्व होगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी जो है वो सोर्स के पास वापस चली जाएगी, दैट मींस जो प्रॉपर्टी उसने फादर या मदर से ली थी वो उसके फादर के हेयर के पास चली जाएगी, और जो प्रॉपर्टी उसे उसके इन-लॉज से मिली थी वो उसके इन-लॉज के हेयर के पास चली जाएगी, मतलब प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी सोर्स पे। नाउ नेक्स्ट केस इज वसुधा सेठी वर्सेस किरण भास्कर। नाउ दिस इज अगेन अ डिविजन बेंच जजमेंट। In this particular case, right of parents is relevant कहा गया when court decide custody of their child. The principle that the welfare of minor shall be predominant consideration and that the right of the parties to a custody dispute are irrelevant has been consistently followed by this court. And इस particular case में एक case है जो कि 2018 का है, उसे भी refer किया गया। Case का नाम है कनिका गोयल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2018। नाउ यहाँ पे हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कंटेंशन ये है कि चाइल्ड के राइट को प्रायोरिटी देना है या जो पेरेंट्स है उनके डिस्प्यूट को प्रायोरिटी देना है, तो ऑलवेज जो चाइल्ड है उसके राइट्स को प्रायोरिटी देनी रहेगी और जो पेरेंट्स का इशू है वो इररिलेवेंट होगा। एंड एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो प्रीडोमिनेंट कंसिडरेशन है कि माइनर का जो राइट है उसे आपको सेफ गार्ड करना है, वो एक प्रीडोमिनेंट कंसिडरेशन रहेगा और कोर्ट को हमेशा ये चीज फॉलो करनी चाहिए और राइट्स ऑफ द पेरेंट्स आर इररिलेवेंट दो द राइट ऑफ द चाइल्ड इज ऑलवेज इन शुड बी इन कंसिडरेशन। नेक्स्ट केस इज राजेंद्र भगत वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2022। नाउ दिस केस इज अगेन डिसाइडेड बाय डीवी बेंच, डिवीजन बेंच, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी व्हिच डील्स विद क्रुएलिटी कन्विक्शन शुड नॉट बी मेंटेन्ड व्हेन देयर इज अ जेन्युइन सेटलमेंट ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। तो यहाँ पे ये कहा गया कि 498 ए में अगर जेन्युइन अगर सेटलमेंट हो चुकी है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो जो कन्विक्शन है, जो कन्विक्शन हुआ था हस्बैंड को, वो नहीं मेंटेन होना चाहिए। अब इसको समझें कि सपोज ए और बी इनके बीच में 498 ए का कोई इशू था, वहां पे क्रुएलिटी की वजह से वाइफ ने हस्बैंड को पे केस किया था 498 ए के अगेंस्ट और हस्बैंड को कन्विक्शन हो गई थी, लेकिन अब जो है एट प्रेजेंट अगर उनके बीच का जो मैटर है वो सेटल हो चुका है तो जो कन्विक्शन है जो कि हुई थी हस्बैंड को अब वो मेंटेन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो हस्बैंड है उसपे पूरी फैमिली डिपेंडेंट है और अगर उसका कन्विक्शन मेंटेन किया जाएगा तो 498 ए और उससे रिलेटेड और केसेस में इंक्रीमेंट होगा। राइट, नाउ नेक्स्ट केस इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अलापन बंदोपाध्याय 2022। सो अलापन बंदोपाध्याय के केस में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कैलकटा हाई कोर्ट ऑर्डर व्हिच क्वैश्ड सेंट्रल अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच ट्रांसफर ऑर्डर। नाउ डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल कैन ओनली बी स्क्रूटनाइज बाय ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। नाउ व्हाई आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ट्रिब्यूनल एक फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा क्लैट पीजी एग्जामिनेशन का, और उसी को लाइक कंसिडर करते हुए ये पर्टिकुलर केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन में, जिसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कैलकटा हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और क्वैश किया कैट के प्रिंसिपल बेंच के ट्रांसफर ऑर्डर को। नाउ नेक्स्ट केस इज भदरराम डिसीज्ड वर्सेस जस्सराम 2022। अगेन अ डिवीजन बेंच जजमेंट। हियर दिस हैज बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट SC/ST person who is ordinary residents of one state can't claim quota benefits
state to which he migrated. The court noted that as per section 42 of Rajasthan Tenancy Act 1955, there is restriction on what sale, gift and bequest by a member of SC in favor of person who is not a member of SC. This provision is to protect a member of SC belonging to the very state which he belongs. So, यहाँ पे आप समझो हुआ क्या कि राजस्थान में एक एक्ट है, इसका नाम है राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955. ये कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट का एक पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल, गिफ्ट और बीक्वेस्ट सिर्फ उस ऐसे ही व्यक्ति को कर सकता है जो कि एससी में लाइक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, राइट? मतलब एक शेड्यूल कास्ट का पर्सन दूसरे शेड्यूल कास्ट के पर्सन को ही अपनी प्रॉपर्टी सेल, गिफ्ट या बीक्वेस्ट कर सकता है. नाउ अगर कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर जाता है तो उसे वो वाले राइट्स नहीं मिलेंगे. मतलब एससी एसटी पर्सन हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स ऑफ वन स्टेट कांट क्लेम कोटा. वो अगर कहीं और माइग्रेट कर जाता है तो वो दूसरे स्टेट में कोटा क्लेम नहीं कर सकता. इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया. नाउ नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मैकडॉबल एंड कंपनी लिमिटेड. इन दिस पर्टिकुलर केस 3-judge bench हेल्ड दैट fire accident can't be termed act of God if it did not happen due to external natural forces. The fire incident in question cannot be said to be that of an event beyond human contact, and High Court has been in error in holding that no negligence could be imputed on the respondent company. अब particularly ये केस इसलिए important है क्योंकि ये negligence से deal करता है, act of God से deal करता है, जो कि एक टॉट का टॉपिक है. एंड टॉट हमेशा पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में. इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि कोई अगर फायर एक्सीडेंट होता है, कोई अगर फायर से एक्सीडेंट होता है तो उसे एक्ट ऑफ गॉड इसीलिए नहीं किया कहा जाएगा क्योंकि वो किसी एक्सटर्नल नेचर के फोर्सेस से हुआ है. मतलब अगर फायर किसी एक्सटर्नल फोर्सेस से हुई है तो उसे एक्ट ऑफ गॉड में कंसिडर नहीं किया जाएगा. सो In this particular case, this has been held. Now, next case is, so I hope I have like completed on, okay. So this was 14th case. And as I told you that in this particular video, I am going to discuss 14 most important case laws from January 2022. Now, एक चीज तो रह गई जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो ये कि आपको हमारे YouTube चैनल पे जाना है जिसका नाम है लीगलाइज आफ्टर कॉलेज, और वहां पे एक आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पे सब्सक्राइब करना है. जब आप सब्सक्राइब करेंगे तब आपको बहुत सारे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे जिसमें हम आगे आने वाले वीडियोस में LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन, AIIB एग्जामिनेशन, UGC नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड.